तस्वीरें देखिए, वित्त मंत्री अब राष्ट्रपति भवन से निकलती हुई उनका काफिला आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें आई थी जब वो अपने मंत्रालय से निकलकर पहुंची थी राष्ट्रपति भवन एक औपचारिक मुलाकात के लिए। बजट में आम आदमी के लिए और क्या क्या प्रावधान वित्त मंत्रालय की तरफ से किए गए उसकी जानकारी दी जाती है, एक परंपरा है। और इसके बाद अब ये काफिला संसद की तरफ निकलेगा जहां पर वित्त मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होंगी और कैबिनेट इस बजट को मंजूरी देगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, और तस्वीरें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे लगातार एक बहुत बड़ी टीम है जो आपके लिए बजट बनाने पर लगी रहती है पिछले 4-5 महीनों से। लेकिन क्या टैक्स पेयर को मुस्कान मिलेगी, उम्मीद है? देखिए, अभी जैसे जफर भाई ने कहा कि टैक्स पेयर के चेहरे पे मुस्कान आएगी, तो उम्मीद तो हम भी सब यही लगा के बैठे हैं कि टैक्स पेयर को राहत मिले। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुपर रिच पे टैक्स बढ़ जाता है तो उस पर भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, जहाँ पे जो बिल्कुल नहीं कमा रहा उसको बिल्कुल टैक्स नहीं देना, जो कम थोड़ा बहुत कमा रहा उसको थोड़ा सा टैक्स देना है, और जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना है। तो डायरेक्ट टैक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आम आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी और एक जो सुपर रिच है उसको हो सकता है एक एडिशनल टैक्स या हायर रेट ऑफ टैक्स देना पड़े। किसानों के लिए स्पेसिफिकली क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं स्पेसिफिक तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसानों के आमदनी बढ़ने के लिए, किसानों की जिंदगी में बेहतर जिंदगी खुशगवार माहौल आए उसके लिए सरकार बराबर कोशिश कर रही है, और उसकी झलक इस बार भी आपको बजट में जरूर दिखेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।